get with that girl ass. Hello, assalamu alaikum. My name is Ahmed Raza Khan. Today we have Ahsan Majid. Oh, hi, hello. Hello. Welcome to the log. इसको उठा के आता हूँ यार. आज हम बात करेंगे फेस ऐप पे. हमारे पास बहुत बड़े नामवर शख्सियत हैं. हेलो. फेस ऐप के वाले से बहुत उनका एक्सपीरियंस है. और ये रशिया में कोई होके आए हैं रिसेंटली. और इनका बड़ा अच्छा ओपिनियन इस बारे में. तो फेस ऐप के बारे में कुछ बोलेंगे आप? रशिया कौन गया? आपको बोल रहे थे ना कि मेरा फेस ऐप के हवाले से मेरी मीटिंग थी क्लाइंट से. यार खुदा को मारना यार. वैसे ही मैं फेस ऐप के चक्रों से बचने के लिए मैं सोया था थोड़ी देर के लिए. तुम मतलब उठा क्यों रहे हो मुझे? मेरी तो समझ से बाहर है भाई. लोगों को बुढ़ा होने का क्यों शौक है? और वक्त से पहले सोशल मीडिया पे शुरू से लेके आखिर तक स्क्रॉल डाउन करो स्क्रॉल अप करो बुढ़े 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 मतलब. अच्छा एक बार आपने नोटिस किया जवानी प्यारी नहीं है क्या आप लोगों? जवानी प्यारी है लेकिन एक बार मुझे लिटरली मतलब मैंने नोटिस की. आगे आप एक्सपर्ट आपकी ओपिनियन आपका अलग है लेकिन मैं नोटिस जो मैंने किया वो ये किया कि यार ज्यादातर बॉयज और छोटे लोग और बड़े लोग सिर्फ मेल थे. फीमेल का इसमें मुझे समझ नहीं आया कि क्यों. 10% फीमेल नजर आई है. इसका जवाब मुझे भी नहीं पता चल सका. मैं वो खोज रहा हूँ क्योंकि वो शायद उस दिन मिल जाएगा. उस दिन अगला इस पे करेंगे. अगला हो जाएगा लेकिन मैं पॉडकास्ट जिसका नाम है बी लो. हर चीज अभी कुछ खरीदने जाओ उस पे कितना पता नहीं कुछ परसेंट लग गया टैक्स. बहुत सारी चीजों पे टैक्स लग चुका है. लेकिन सिंपल मुझे एक बात का जवाब चाहिए. मुझे ये चाहिए लड़के कुछ भी है लड़का कर लेगा. एक चीज में इसने पैसे बचा लिए. कैसे आप बता दो. ये जो हाल है ना दो साल बाद कोई खर्चा ही नहीं शैम्पू का. तो अपने ऐप छुपाने के लिए थे क्या ऐप फेस ऐप की बात क्यों रही ऐप ऐप दूसरा उर्दू का वर्ड. खैर भाई जहाँ तक फेस ऐप का ताल्लुक है मैंने क्या नोट किया है कि सोशल मीडिया पे एक साथ इतने खूबसूरत बुढ़े मैंने आज तक नहीं देखे भाई. ये रिकॉर्ड है वैसे कि सोशल मीडिया कहा ये जाता है कि यूथ का प्लेटफॉर्म है बॉस. ठीक है हर यूथ वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करता है हर प्लेटफॉर्म के थ्रू नई चीज़ें ट्राई करता है वहाँ पे. बट तारीख में पहली बार मुझे सोशल मीडिया पे इतने सारे बुढ़े एक साथ नजर आए. एक साथ ये कोई मिरेकल से कम नहीं है मेरे दोस्तों. इसमें कोई दो राय नहीं है. फेस ऐप का मकसद ये था कि तफरी करें शुगल करें कोई इशू नहीं. मगर उसमें एक ड्रॉबैक भी है वो तो बताते हैं लोग को. आप बताएंगे ना? नहीं आप बताएंगे. मैं क्या बोलता है एक्सपर्ट ओपिनियन ना देंगे. ठीक है तो आपको फेस ऐप का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो कि मुझे अभी एक हमारे मित्र जो है वो कैमरे के पीछे बैठे हुए उन्होंने हमें एक बहुत ही अहम जानकारी दी है. वो ये कि यार आप जब टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करते हो फेस ऐप की तो वो सारे आपकी चीज़ें एक्सेस करता है. आपका कंटेंट एक्सेस करता है पिक्चर्स एक्सेस करता है और प्लस ये कि उससे वो बिजनेस कर रहे हैं कमा रहे हैं और आपको एक रुपया नहीं मिलेगा उससे. ये भी कंडीशन अगर आप देखें गौर से तो उसमें है. तो खैर खैरियत से ख्याल से कोई भी नई चीज़ अगर आए उसको पहले रिसर्च करके यूज़ किया करें क्योंकि वैसे ही आजकल मसले मसाले इतने चल रहे हैं सोशल मीडिया पे. कहीं की तस्वीर किधर मिलती है किसी की शक्ल काट के किसी की बॉडी पे लगी हुई होती है तो सही है. मैं आपको बोल रहा हूं एक अहम मुद्दा है तो इस चीज़ को जरा ख्याल करें अपने आप से मोहब्बत करें इन चीज़ों की. ये जो नई नई ऐप्स हैं जो सर्टिफाइड या रजिस्टर्ड ना हो जो भी आई डोंट नो मैंने तो खैर अभी तक यूज करके नहीं देखी. तो जो हमारे जो पीछे एक हजरत बैठे हैं उनका नाम फैज मित्र बैठे हैं मित्र हां तो मित्र के अगर बहुत पहुंच रहे मित्र के मित्र नहीं मित्र मित्र के ठीक है मित्र के एम के बाद अगर यू लग जाए तो बात ही अलग. अच्छा खैर तो वो अपना एक्सपर्ट ओपिनियन थोड़ा बहुत दे रहे थे. वो कैमरा शायद थोड़ा तो उनको घबरी और एम को हटा के अगर चे लग जाए तो बहुत बड़ी बात हो गई. अच्छा खैर तो ये सारा सीन है तो उन्होंने ये अच्छी बात बताई थी तो हमने सोचा कि ये बात भी एक एक्सपर्ट के थ्रू आपको पता लगे. और उन्होंने ये कहाँ पढ़ी थी बात उनको खुद नहीं पता. ठीक है उन्होंने हमने पूछा कि कोई यार कोई सोर्स तो हम कोड भी कर देंगे चाहे अगर उनकी भी कोई भी ट्रिब्यून हो या किसी का भी ब्लॉग हो व्हाटएवर जिसका भी हो तो उसको भी सोर्स हम उसका क्रेडिट दे देंगे. बट उनको खुद नहीं पता कि कहाँ पढ़ा तो उन्होंने इनको शेयर किया
इनसे बात की तो उन्होंने बोला मैं अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दूंगा, तो उन्होंने कुछ एडिट करके आपको बताया फेस ऐप के बारे में स्पेशली, ठीक है? तो फेस ऐप आप यूज करें, ठीक है? जवानी, अच्छा जवानी मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको बुढ़ा क्यों बन रहा है, जवान लोग क्यों नहीं बनते, मतलब क्योंकि हो सकता है ट्रेंड चलता है, वायरल ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, हर बंदा चाहता है कि वो लाइमलाइट पे आए, थोड़ा सा फेम कमा ले, थोड़ा सा लोग उसको जाने, तो जो ट्रेंडिंग और वायरल चीज़ें चल रही होती हैं तो लोग उसको फॉलो करना शुरू होते हैं, क्योंकि वो इस चक्कर में रहते हैं कि शायद उनकी वीडियो भी शायद उनकी वेट या टेलीग्राफ डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इतनी अहम बात करूँ सारी चीज़ें। हाँ तो हर बंदा चाहता है कि यार उसकी भी चीज़ें वायरल हो, उसका कंटेंट वायरल हो, लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से लाइक्स आएँ, वो ऑटोमेटिकली वो कहते हैं ना कि आपका खून बढ़ना शुरू हो जाता है कि जितने ज़्यादा लाइक्स आप देखते हैं तो खुशी होती है ज़्यादातर, आजकल खुशी का मतलब यही है। हर बंदा आप देखो इतनी ज़्यादा सोशलाइजिंग नहीं करेगा जितनी सोशल मीडिया पर करेगा, वो इसलिए क्योंकि वो ये समझता है कि जितने ज़्यादा लाइक्स आते हैं, जितने ज़्यादा कॉमेंट्स आते हैं, उतनी ज़्यादा उसको एक खुशी होती है, खून बढ़ता है। तो खैर इसको यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है? आज का वीलॉग, और अहसन माजिद ने मैं ज्वाइन किया था आज, और इन्होंने बोला कि यार मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अपनी इजहार करना चाहता हूँ, दो तीन एक्सपर्ट ओपिनियन देना चाहता हूँ स्पेशली फेस ऐप के हवाले से, ठीक है? तो हमने बोला यार व्हाई नॉट, क्योंकि ज़रूरी है, तो इनका एक्सपर्ट ओपिनियन आप लोगों के लिए बड़ा मैटर करता है, क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग बहुत है, बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, यूरोप से लोग इनके लिए पहले आ जाते हैं। तो खैर ये सारा केवाड़ी के रास्ते केवाड़ी के रास्ते से पैदल आ जाते हैं। हाँ तो ये जो थीम थे तो इसीलिए हमने आज टॉपिक पर डिस्कस किया कि करना चाहिए ट्रेंडिंग टॉपिक। बस एंड में एक बात और मैं बोलूँगा अगेन, ये कि भाई जिंदगी बहुत खूबसूरत है यार, जवान हो, जवान रहो, काहे को बुढ़े बन रहे हो। तो इसी पे आज हम भी लोग का एंड करते हैं, बड़म 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 टिस। यार वो एक बात बताओ, ऐप कहाँ से डाउनलोड करो? कौन सी फेस ऐप वायरल चल रहे ना यार, थोड़ा सा मैं भी मशहूर हो जाऊंगा, थोड़ा सा लोग मुझे भी देख लेंगे यार, मैं देखना चाहूंगा 50 साल बाद देखना चाहूंगा कैसा लगूंगा। तुम क्या मतलब लगाओगे फिल्टर लगाओगी जवानी वाला बुढ़ापे वाला? जवान तो मैं हूँ, मतलब तुमने तो दूसरों को इतना बोल रहे हैं, मतलब तुम ही करो यार, वो तो ऐसे ही ना, मतलब